गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? बेटा हमने एक्सरसाइज 9.1 आपके डाटा हैंडलिंग की थी, उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 हमने किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। हो सकता है आगे भी करें, लेकिन आप जब तक घर पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो किसी किसी की बुक्स में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 वही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कैथरीन थ्रू अ डाइस, डाइस होता है जो हम खेलते हैं, 40 times एंड नोटेड द नंबर अपियरिंग ईच टाइम ऑफ द शो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तो आपके नंबर्स को शो किए हुए हैं, आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखने हैं, या आप इसको फोटो स्टेट करवा के भी कट करके फिर आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक्सरसाइज 9.1 का, सिक्स क्लास मैथ्स का पीरियड है आपका, टॉपिक एक्सरसाइज 9.1 डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग इसकी पीडीएफ मैं साथ साथ भेज रही हूँ आपको। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए बेटा, इसकी टेबल है आपके सामने, एक डाइस है वो फेंक किया, उन्होंने नंबर्स को नोट किया है। आज एक क्वेश्चन में करवा देती हूँ, बाकी आप खुद अपनी बुक से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप इसकी हेडिंग अपनी बुक से उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है, इन्होंने कुछ नंबर्स फेंके हैं, वन टू वन फाइव थ्री, फाइव टू वन फाइव थ्री, टू सिक्स टू थ्री फाइव टू। ये और भी टेबल आपके आगे तक जाएगी। देखिए 5162352 2415, यहाँ तक है आपकी। ये आप अपनी बुक से खुद उतारेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ, 1356636 6635416। सेकेंड में आपका 2534614615561, 2212352 4556। तो ये देखिए बड़े डाइस थी, उसने कुछ ऐसे डाइस फेंकी जो हम लूडो में खेलते हैं, तो ये कुछ नंबर्स अपीयर हुए हैं, उन्होंने इसको नोट डाउन किया। तो पहला है मेक ए टेबल एंड एंटर द डाटा हैंडलिंग टैली मार्क्स, फाइंड द नंबर दैट अपीयर। तो पहला क्वेश्चन है क्या है हमारा, इसकी डाटा हैंडलिंग करनी है हमें। तो हम साइड में करते हैं इसको, स्पेस अवेलेबल है हमारे पास, आप लोगों ने घर से भी इसको अच्छे से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ हम कर लेते हैं इसकी डाटा हैंडलिंग की टैली मार्क्स। देखिए कैसे हैं, यहाँ लिखेंगे नंबर्स, फिर लिखेंगे टैली मार्क्स, फिर क्या है हमारे हाउ मेनी टाइम्स। छह तक है आपके, 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, अब है कहते 1 कितनी बार है, जब हम काउंट करेंगे हम यहाँ पे 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हम करेंगे पहले नंबर सीखेंगे, 1 कितनी बार है, 7 बार, 2 कितनी बार है, 6 बार, 3 कितनी बार है, 5 times, 4 कितनी बार है, 4, और 5 कितनी बार है, 11, एंड 6 कितनी बार है, 7। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, टैली मार्क्स इजीली कर सकते हैं, आपको सिखाया था। तो 1 में कितना है, 7, तो टैली मार्क्स बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 4 कितनी बार है, 4 बार, करिए 4 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4
फाइव है इलेवन बार, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया टैली मार्क्स के लिए, समझ ध्यान दें। अब देखिए इसका पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन में जाएंगे अब आप। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, मेक ए टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स, फाइंड द नंबर दैट अपीयर। अब इसमें हमारे टैली मार्क्स कर लिए। अब पहला क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, मिनिमम होता है कम। सेकंड है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मैक्सिमम होता है ज़्यादा। एंड फाइंड दो नंबर दैट अपीयर द इक्वल नंबर ऑफ टाइम, और ऐसे नंबर बताना है जो इक्वल है। तो क्वेश्चन लिखेंगे हम पहले द मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइम। तो हमारे पास स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है, तो ए पार्ट है हमारा द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मैम नंबर ऑफ टाइम, और सी पार्ट है आपका फाइंड दो नंबर्स दैट Find those numbers that appear an equal number of time, an equal number of time। सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए बेटा। मिनिमम होता है कम, मिनिमम होता है कम, मैक्सिमम होता है ज्यादा, और इक्वल बार मैंने बोला ना इक्वल, इक्वल होता है बराबर। जब तक कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आएगी आपको क्लियर नहीं होगा। तो इन्होंने बोला है कि मिनिमम नंबर, अब सबसे कम नंबर किसकी है, सबसे कम नंबर क्या है फोर, सबसे कम नंबर क्या है फोर। अब है मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है ज्यादा, ज्यादा कौन सा है नंबर सेवन सिक्स फाइव फोर इलेवन में सबसे ज्यादा क्या है इलेवन। तो इलेवन किस पे आ रहा है, इलेवन किस पे आ रहा है फाइव पर, इलेवन किस पे आ रहा है फाइव पर। अब इक्वल वाले कौन से हैं, वन एंड सिक्स, क्योंकि सेवन सेवन सेम है तो क्या आ जाएगा वन एंड सिक्स, जो सेम है सिक्स पे भी सेवन वन पे भी सेवन, तो क्या आ गया वन एंड सिक्स, क्योंकि इसने क्या पूछा है नंबर्स, क्या पूछे हैं नंबर्स, तो नंबर्स तो ये वाले हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे इस क्वेश्चन को। पहले आपने टैली मार्क्स बनाना है, फिर जो उसने क्वेश्चंस मांगे हैं आपने उसके आंसर्स देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप यह ऐसे टेबल बनाकर पहले नंबर लिख लेंगे, फिर आप उसको टैली मार्क्स में बनाएंगे, फिर आप ये क्वेश्चंस लिखकर उसके आंसर्स क्लियर करेंगे। एग्ज़ाम में ऐसे ही आता है, फाइव या सिक्स मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन अगर आपको क्लियरिटी है डाटा हैंडलिंग की, पाँचवीं क्लास में भी आपने कुछ सीखा है, पिक्टोग्राफ का भी सीखा है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते थे, आपने उसके आंसर्स देने होते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव सॉरी फोर रीड करेंगे हम, घर पर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। कहते फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन फाइव विलेज, फाइव विलेजेस में ट्रैक्टर्स की पिक्चर्स हैं। कहते हैं विलेज ए में कितने ट्रैक्टर, इन्होंने ये भी दिया साइन दिया कि एक ट्रैक्टर एक के बराबर ही है। तो पहले गांव में कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो आप लिख सकते हैं कि वो कितने ट्रैक्टर्स हो गए, क्योंकि एक ट्रैक्टर एक के बराबर ही माना गया है, तो क्या लिखेंगे उसको सिक्स। उन ट्रैक्टर्स के आके अगर आप क्वेश्चन में ही लिख सकते हैं, अगर आप उसकी फोटो स्टेट करवा के लगाएंगे तो लिख सकते हैं सिक्स। विलेज बी में वन टू थ्री फोर फाइव फाइव, सी में कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट, डी में कितने हो गए वन टू थ्री, ई में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो ये हमारे क्या हो गए, पहले ट्रैक्टर्स की गिनती हमने लिख ली। अब आपको मैं दिखाती हूँ बुक में मैंने कैसे किया है, सब बच्चे बुक देखेंगे। ये देखिए ये आपको क्लियर हो रहा है सिक्स फाइव एट थ्री सिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने बुक में लिख लेना पहले कि ट्रैक्टर कितने हैं,
क्योंकि एक ट्रैक्टर को एक ही माना गया, उन्होंने स्पेशल साइन में भी दी है। अब है ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहते हैं इस पिक्टोग्राफ को आपने अच्छे से रीड कर लिया कि विलेज ए में कितने ट्रैक्टर हैं, 6, विलेज बी में 5, विलेज सी में 8, डी में 3 और ई में 6। तो आप इसकी फ़ोटो स्टेट करवा के कट करके कॉपी में चिपका सकते हैं और क्वेश्चन आंसर्स उतार के फिर हम इसके आंसर्स देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स की बारी। तो सब बच्चों ने ये कर लिया, इरेज कर दें। अब है क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स। अब देखिए क्वेश्चन 4 के आंसर्स देखेंगे, मेरे क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमने बना लिया अपना क्वेश्चन आंसर्स हैं ए बी सी डी। देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन लिखिए विच विलेज हैज द, मेरे क्वेश्चन उतारिए विच विलेज हैज द पहले में मिनिमम नंबर्स, इसमें है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो हम इसका आंसर इसके बॉक्स में लिख देंगे। सी पार्ट है हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी। सी की अपेक्षा कहते बी में कितने थे, तो इसका आंसर हम नीचे लिखेंगे एक बॉक्स बनाकर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेजेस। देखो बेटा क्वेश्चंस को मुश्किल नहीं है, इजी है, जब तक क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर पाओगे आंसर्स नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। आपका पहला है क्वेश्चन विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर्स ऑफ ट्रैक्टर। हमने अभी ट्रैक्टर्स की गिनती की थी, विलेज ए में थे 6, बी में 5, सी में 8, डी में 3, विलेज ई में 6। तो सबसे कम किस में है बताइए, है ना आपके क्वेश्चन। तो सबसे कम कौन सा है, डी विलेज कौन सा है, विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ, क्योंकि इसमें नंबर 3 है, विलेज डी में कितने हैं, 3 है ट्रैक्टर, तो विलेज डी, तो क्या आंसर आएगा डी। किस गांव में सबसे कम ट्रैक्टर्स हैं, डी। अब मैक्सिमम होता है ज्यादा, तो ज्यादा किसमें थे, अभी हमने काउंट किए थे जो 8 है, 8 ज्यादा है ना सबसे ज्यादा, तो विलेज सी, तो क्या आंसर आ जाएगा सी। तो कौन से गांव में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर है, सी, वहां पे काउंटिंग सबसे ज्यादा थी। अब कहते हैं सी की अपेक्षा बी में विलेज सी हैज ए कंपेयर टू विलेज बी, बी में कितने थे, बी में से सी माइनस कर देंगे या जो भी आपका है बी और सी का है, तो 8 माइनस 5, तो करेंगे 8 माइनस 5, तो कितना कंपेयर में आ गए 3, कितने आ गए 3। अब हमने कर रहे थे टोटल करने थे, पहले में थे 6, फिर थे 5, फिर 8,
फिर 3 + 6 तो आप कितने आ गए टोटल, करियन को टोटल 6 5 11 11 8 19 20 22 22 28 28 आ गए। तो 6 5 11 11 8 19 19 और 3 19 20 21 22 22 में 6 प्लस की कितना है 28। तो ये हमारे कितने ट्रैक्टर्स आ गए 28। कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको क्लियर नहीं होगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन के आंसर्स। तो विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, डी। विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, सी। हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज अ कम्पेयर टू विलेज बी, तो बी में कितने थे आपके 5 और 8, सी में कितने थे 8, तो 8 में से 5 माइनस किया तो कंपेयर कर दिया उसको कितने आगे ज़्यादा 3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स पूछे थे 5 गांवों में, तो हमने सबको क्या कर दिया 6 5 8 3 6 को क्या कर दिया प्लस करने के बाद कितना आंसर आ गया 28। तो ये हमारे आंसर्स हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से रीड करेंगे। द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन ईच के क्लास ऑफ द को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपेक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। देखो बेटा, एक जो गर्ल बताइए वो 4 लड़कियों के बराबर बताइए। उन्होंने देखो साइन लिखा हुआ है साइड में, जहाँ क्लासेस नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स लिखे हैं, एक लड़की 4 के बराबर बताइए। तो हम इसका कर सकते हैं, तो कितना आ गया 1 में 1 2 3 4 5 6 6 4 24, कितना आ गई लड़कियाँ 24। तो जहाँ पे क्लास फर्स्ट लिखी है वहाँ 24 भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सब अच्छे ध्यान से लिखेंगे ये क्वेश्चन को। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर सेकंड में 1 2 3 4, 4 लड़कियाँ तो पूरी हैं और एक आधी दी है। ऐसे थर्ड में देखिए पूरी की पूरी हैं, फोर्थ में 1 2 3 लड़कियाँ पूरी हैं और एक में आधी दी है, फिफ्थ में 1 और 2 लड़कियाँ पूरी हैं एक आधी दी है, सिक्स में भी ऐसे ही है चारों पीछे 4 लड़कियाँ पूरी हैं, सेवन्थ में भी 3 लड़कियाँ पूरी हैं, एट्थ में 1 लड़की है और उसका आधा सिर दिया हुआ है, तो वो हाफ माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इससे रिलेटेड आपने ये सारा का सारा जो भी पिक्टोग्राफ है आपका, जो भी चीज़ दी है, बना सकते तो बना लीजिए, नहीं तो इसको फोटोस्टेट करवा के कट करके पेस्ट कर लेना। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन है विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, सबसे ज़्यादा लड़कियाँ कौन सी क्लास में है। देखिए काउंट कर लीजिए कितनी है 1 2 3 4 5 6, पहले में 6 है, आप इसको 6 4 24 करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 और उसका हाफ 1 2 3 4 5 1 2 3 and a half 1 2 and a half 1 2 3 4, तो सबसे ज़्यादा क्या है फर्स्ट में, क्योंकि क्लियर हो रहा है वहाँ पर हमारे का मिनिमम। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा मिनिमम होता है कम। तो पहला क्वेश्चन कम का है, कम में सबसे ज़्यादा लास्ट है 8th क्लास, क्योंकि 8th क्लास में एक लड़की है और उसका आधा हिस्सा है, तो यानी कि 1.5 लड़कियां हो गई एक तरह से हमारे पास। तो कहते हैं विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, तो पहले का क्या आएगा 8th क्लास। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 के मैं क्वेश्चन आंसर्स लिखवाऊंगी, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे सब बच्चे। हमने साइड में लिखा हुआ है एक लड़की 4 के बराबर है, इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, जिसमें लड़की आधी दी है उसको आधा कर लेंगे, उसको 2 कर लेंगे, तो लास्ट में कितनी आ गई 8 में 4 और 2 6, तो वो सबसे कम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर देखिए, सॉरी 5 के। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिखिए क्वेश्चन आंसर्स। ए पार्ट है पहले आपके पास, विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर, मिनिमम होता है कम, मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट। सबसे पहले क्या था आंसर 8th, क्या आंसर है 5th 6th 7th 8th, ये बॉक्स में लिखेंगे हम। सेकंड बी पार्ट है इसका, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6th
देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास फिफ्थ। देखिए इसका क्या करना है हमने, यदि इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास सिक्स लेस देन द नंबर ऑफ, सॉरी लेस देन आएगा यहां पर, लेस होता है कम, कहते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास सिक्स में से नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास फिफ्थ कितनी कम है उसके अकॉर्डिंग कहते हैं क्वेश्चन। इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास सिक्स, सिक्स में कितनी है, वन टू थ्री फोर, फोर है इधर, फोर सिक्स, फोर फोर से सिक्सटीन हो गया। और कहते हैं नंबर ऑफ फिफ्थ, फिफ्थ में कितनी है, वन टू थ्री, कहते हैं क्या पाँचवीं की लड़कियाँ छठी की लड़कियों से कम है, नो द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन क्लास सिक्स, नो, तो आंसर इज नो, क्या आंसर आ जाएगा, नो। अब है आपका सी पार्ट का आंसर, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास सेवन, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास सेवन, कहते सेवन्थ में कितनी लड़कियां हैं, उसको हम काउंट कर लेंगे, एक लड़की चार के बराबर थी तो सेवन्थ क्लास में कितनी है, वन टू थ्री, सेवन फोर जा वन टू थ्री गर्ल्स थी, थ्री को फोर से मल्टीप्लाई किया, थ्री फोर ट्वेल्व, बिल्कुल ठीक है जी हमारा आंसर। यहाँ पे लिखेंगे थ्री तो गर्ल्स हैं और फोर एक लड़की को माना था, तो थ्री फोर जा ट्वेल्व, दिस इज आवर आंसर। तो इस प्रकार आपने इसको बॉक्स में लिखना है, राइटिंग शुड बी क्लीन, ये सब बच्चे ध्यान से करेंगे इस वर्क को। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर क्या किया है, थ्री फोर फाइव, जिन क्वेश्चंस को आप नहीं बना सकते आप फोटो स्टेट करके चिपका सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे से बेटर, टेक केयर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, पहला क्वेश्चन है विच क्लास हैज द मिनिमम, मिनिमम होता है कम, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स क्लास एट्थ में सबसे कम थे, कहते कि सिक्स की जो लड़कियां हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास सिक्स लेस देन द गर्ल्स ऑफ क्लास फिफ्थ से वो कम है, नो। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास सेवन, सेवन्थ में हमारी कितनी लड़कियाँ थी, फेसेस जो बने हुए हैं वो तीन फेसेस हैं, एक लड़की चार के बराबर है, तो थ्री को फोर से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, ट्वेल्व। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।